असलमेकम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ आज हम लोगों ने इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर करना है वो है क्रिस्टोफर मार्लो क्रिस्टोफर मार्लो रेनासेंस एज के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर कंसीडर होते हैं इनका ड्रामा के अंदर ड्रामा की डेवलपमेंट के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट नेम है क्योंकि रेनासेंस एज को एज ऑफ ड्रामा भी कहा जाता है तो इसीलिए इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है ड्रामा के अंदर रेनासेंस एज क्या है उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं कौन से इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई उसके अंदर सो ऑन ये सब कुछ मैंने एक सेपरेट लेक्चर के अंदर कवर किया हुआ है हम लोगों ने प्लेलिस्ट डिस्क बनाई थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की उसमें हम लोगों ने रेनासेंस एज को पढ़ा था इन डिटेल डेप्थ के साथ हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना हुआ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि वो लेक्चर आप सुन लें आपको रेनासेंस एज का लेक्चर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उसके ऊपर क्लिक करके उस लेक्चर को अप्रोच कर सकते हैं क्लियर तो मैंने वो सुनने के लिए क्यों कहा क्योंकि जो हमारे रिस्पेक्टिव राइटर हैं क्रिस्टोफर मार्लो जिनको यूनिवर्सिटी विट्स का लीडर भी कहा जाता है वो उसी एज से बिलोंग कर रहे हैं इसीलिए लिए एनी हाउ अब क्रिस्टोफर मार्लो बहुत इम्पोर्टेंट नेम अगेन इनको किट मार्लो भी कहा जाता था के आई टी किट और मार्लो और इसके अलावा ये एक पोइट भी थे एक प्ले राइटर भी थे एक ट्रांसलेटर भी थे और हमारे रिस्पेक्टिव लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हमने कवर करने हैं वो है नंबर वन राइटर का इंट्रोडक्शन नंबर टू इम्पॉर्टेंट वर्क्स, नंबर थ्री स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड देन थीम्स ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर और सेपरेट लेक्चर में हम लोग मार्लो एज अ ड्रामाटिस्ट और मार्लोवियन ट्रेजिडी भी कवर करने वाले हैं वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अब हम बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो की क्रिस्टोफर मार्लो सिक्स फिफ्टीन सिक्सटी फोर में पैदा हुए और फिफ्टीन नाइनटी थ्री में इनकी डेथ हो जाती है यानी कि रेनोसेंस एरा के अंदर ही इनकी डेथ हो जाती है और उसी ड्यूरेशन में ये पैदा होते हैं ये अर्ली एजुकेशन के लिए किंग स्कूल में गए वहाँ पे इनको स्कॉलरशिप मिला वो स्कॉलरशिप की बेस पे इन्होंने फ़र्दर स्टडी कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज से गेन की जो कि कैम्ब्रिज में है और इस एजुकेशन के ड्यूरेशन 1580 से 1587 तक रहा मार्लो ने अपनी बैचलर ऑफ़ आर्ट्स की डिग्री 1584 में ली लेकिन 1587 में इसको इसकी पहले तो यूनिवर्सिटी ने मास्टर की डिग्री देने से रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये अपनी यूनिवर्सिटी से एबसेंस रहे थे लेकिन लेटर ऑन बताया गया कि जो मार्लो हैं वो कंट्री के बेनिफिट्स के लिए कुछ मैटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिस बेस पे लेटर ऑन इनको इनकी मास्टर की डिग्री दे दी गई थी ये तो था कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड और 1587 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पीरियड से मार्लो ने अपनी जिस कंट्री में ये रह रहे थे लंडन वहाँ पे इन्होंने थिएटर के लिए, लिए लिखना शुरू कर दिया था इनका फर्स्ट प्ले डीडो क्वीन ऑफ कार्थरेज था जो कि 1594 तक पब्लिश नहीं हुआ था लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने ये प्ले अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर जब ये कैम्ब्रिज में थे तभी लिख लिए थे इनका सेकंड प्ले जो है वो टू पार्ट टैम्ब्रोलेन द ग्रेट है और रेनसेंस टाइम पीरियड में ये फर्स्ट ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले स्टेज के ऊपर अपने ड्रामास की परफॉर्मेंस करवाई थी क्लियर इसके अलावा शिक्स जो हमारे क्रिस्टोफर मार्लो हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट नेम आता है यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर यूनिवर्सिटी विट्स कौन है यूनिवर्सिटी विट्स ऐसे लोगों का ग्रुप था ऐसे स्कॉलर्स का ग्रुप था जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे दे आर हाईली क्वालिफाइड और बहुत टैलेंटेड लोग थे इनके अंदर जो सबसे सेंट्रल नेम था ठीक है जिनको सन कहा जाता है इन सब का वो क्रिस्टोफर मार्लो का नाम था जैसे स्क्रीन पे देखें मार्लो वाज द फॉरमोस्ट Elizabethan tragedian of his day, who belonged to the group of university educated practitioners of literature, non collectively as the University Wits. He greatly influenced William Shakespeare, who was born in the same year as Marlowe and who rose to become the preeminent Elizabethan playwright after Marlowe's mysterious early death. Now, what is William Shakespeare. वो भी इसी एज में इसी रेनसेंस टाइम पीरियड के अंदर पैदा हुआ जिसका नाम बच्चा बच्चा जानता है और मार्लो भी इसी एज से बिलोंग करते थे लेकिन विलियम शेक्सपियर का नेम हमारे पास सामने कब आया उनके राइटिंग्स जो थी वो कब हमारे पास सामने आई ऐसा हुआ कि मिस्टीरियसली मार्लो की डेथ हो गई कैसे डेथ हुई अचानक गायब हो गए कुछ अता पता नहीं बस शेक जो मार्लो थे उनकी 1593 में डेथ हो गई अचानक से मार्लो गायब हो गए फिर हमारे पास शेक्सपियर आए इवन के सम क्रिटिक्स जो है वो ये भी कहते हैं कि शेक्सपियर ही मार्लो था और मार्लो ही शेक्सपियर था अब हमें इस मिस्ट्री का नहीं पता अब जब हमारे पास विलियम शेक्सपियर आए उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लोस के प्लेस को पढ़ा उनके राइटिंग स्टाइल को देखा जैसे जैसे क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा उन्होंने उसी स्टाइल को लेकर खुद से लिखा ठीक है विलियम शेक्सपियर ने और इनका बहुत ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस था विलियम शेक्सपियर के ऊपर विलियम शेक्सपियर ने उनसे ब्लैंक वर्ड्स की टेक्निक अडॉप्ट की ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट लिया मतलब थ्रू एंड थ्रू सारे कॉन्सेप्ट विलियम शेक्सपियर ने मार्लो से लिए और उनके कॉन्सेप्ट लेकर उनको मॉडिफाई करके अपने प्लेस प्रोड्यूस किए थे और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि अगर यहाँ पे कोई मार्लो ना होता तो कोई भी शेक्सपियर ना होता तो ये तो हो गया जी हमारे राइटर का इंट्रोडक्शन अब हम बात करते हैं हमारे राइटर के इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में एक है द जियो ऑफ माल्टा फिर एडवर्ड द सेकेंड फिर द दसकर एट पैरिस फिर डॉक्टर फोस्टस अरेस्ट एंड डेथ ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट नेम्स थे इनके वर्क्स के मैं आपको एडिशनली जो इनकी डेथ की हिस्ट्री है ना वो बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मार्लो की डेथ कैसे हुई थी मिस्टीरियसली पता नहीं हमें कैसे हुई थी हुआ क्या था 18 मई का टाइम पीरियड था 1593 का ड्यूरेशन था अब इस ड्यूरेशन में एक वरेंट इशू कर दिया गया कहा गया कि मार्डलो को अरेस्ट कर लो अरेस्ट क्यों करना था कोई भी रीज़न नहीं बताया गया लेकिन हाँ हर जगह अफवाह ये फैल गई थी कि मा, मार्डलो ने एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी है जो कि अनऑर्थोडॉक्स मैन्यूस्क्रिप्ट है वो अनऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट रखती यानी कि वो एक ऐसा मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कि इनके रिलीजियस बिलीफ के बिल्कुल एंटी है एक एथिस्ट वर्क है और मार्लो को भी एथिस्ट का नाम दे दिया गया था एक गुस्ताख का नाम दे दिया गया था तो इसलिए कहा गया कि मार्लो को अरेस्ट कर लिया जाए एनी मार्लो को अरेस्ट किया गया उसको ट्वेंटी ऑफ मई को कोर्ट के अंदर लाया गया लेकिन कोर्ट में आगे क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता कोई प्रोसीडिंग्स जो थी किसी को बताया नहीं गई टेन डेज लेटर दस दिन बाद क्या हुआ पता लगा जी कि एक इंसिडेंट हुआ है उस इंसिडेंट में क्या किया गया कि मार्डों को चाकू मार दिया गया है डेड बॉडी का है किसी को नहीं पता और ये भी कहा गया कि जो इसकी डेथ हुई थी वो क्या वो है वो कोर्ट से कनेक्टेड है कोर्ट ने जो चार्जेस लिखाए थे उनसे कनेक्टेड है लेकिन डेथ कैसे हुई कहाँ पे हुई कोई भी इस चीज़ को किसी भी बात को प्रूव नहीं कर सका और इसीलिए स्टिल मार्लो की जो डेथ है वो सेंटर ऑफ डिस्कशन है जितने भी हिस्टोरियंस हैं उनका अभी तक जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी अभी तक इनकी जो डेथ है उनको डिस्कस किया जाता है क्लियर अब हम बात करते जी राइटिंग स्टाइल की स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसा है जी मार्लो का मार्लो वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया ब्लैंक वर्ड्स किसे कहते हैं अनराइम्ड वर्ड्स यानी कि ऐसे वर्ड्स जिसके अंदर कोई रिदम नहीं होता कोई राइम स्कीम नहीं होती ठीक है वो कोई भी राइम स्कीम को फॉलो नहीं करता वो फ्री वर्ड्स होते हैं तो मार्लो फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया था और अपने ब्लैंक वर्ड्स की टेक्निक की वजह से ही बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे क्योंकि मार्डो की राइटिंग से पहले जितने भी प्लेस थे सबके सब ब्लैंक सब वर्ड्स में नहीं राइम्ड में लिखे जा रहे थे कंप्लीटली वर्ड्स फॉर्म में लिखे जा रहे थे ठीक है और ये जो चीज़ थी ये स्टिफ एंड फॉर्मल लग रही थी बहुत ज़्यादा स्टिफ एंड फॉर्मल लग रही थी इसी वेस पे मार्लो ने अपना जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो चेंज किया हम जब इनके प्लॉट्स देखते हैं तो वो हम लोगों को लाइक लूज प्लॉट नज़र आते हैं हम लोगों को इसके अंदर क्योंकि रनसेंस एज थी जो सेंट्रल करेक्टर है जो ट्रेजिक हीरो है वो एक कॉमन मैन नज़र आता है हम लोगों को इसके इनके प्लेस के अंदर कॉमन थीम नज़र आते हैं इनर कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है ये ह्यूमर का भी यूज़ करते हैं सटायर का भी यूज़ करते हैं ये था जी मार्लो का स्टाइल अब इनके इम्पॉर्टेंट थीम्स थीम्स में हमारे पास टेम्पटेशन सिन एंड रिडम्पन आ जाता है बारगेन रेनिसेंस इंडिविजुअल फेट वर्सेस फ्री विल एजुकेशन नॉलेज एंड पावर नज़र आता है रिलीजियस हिपोक्रेसी नजर आता है एंटी सिमटिज़म नज़र आता है हम लोगों को मनी एंड ग्रीड बिट्रेल एंड रिवेंज ये सब कुछ नज़र आता है हम लोगों को मार्लो की राइटिंग के अंदर तो दैट्स ऑल अबाउट टू लेक्चर आई होप कि आपको जो मार्लो हैं उनके बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और फर्दर मोर मैं आपको बता दूँ कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा मार्लो मार्लोवियन ट्रेजेडी के ऊपर यानी कि मार्लो एज अ ड्रामाटिस्ट आप वो लेक्चर भी सुन लीजिएगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्टेट विद अस टेक केयर